जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच स्थानीय सरकार की ओर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर या फिर समायोजन कर दिया गया है। श्रीनगर के चीफ एजुकेशनल ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर गुरुवार को जम्मू शहर में इमीडिएट ट्रांसफर की मांग को लेकर सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने मार्च निकाला था। उन्होंने सरकार से सुरक्षित माहौल प्रदान करने की अपील की थी, साथ ही कहा था कि जब तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती वो काम नहीं करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बीते कुछ दिनों से घाटी में टारगेट किलिंग का ग्राफ खौफनाक तरीके से बढ़ रहा है। इस बीच सरकार ने श्रीनगर में तैनात 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों की मांग के बाद सुरक्षित स्थानों पर तबादला के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग के एक दिन बाद आया है। दरअसल शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान कश्मीर की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। बताया जा रहा है कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बीच उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। बता दें कि कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। हाल ही में आतंकियों ने बैंक में घुसकर एक राजस्थान के रहने वाले युवक की हत्या कर दी थी। इससे पहले कुलगाम जिले के एक स्कूल में आतंकवादियों ने शिक्षक रजनी बाला को मार डाला था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।